यूपी के जनपद बहराइच में चल रहा खुलेआम गौकशी का खेल प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा खेल कैसे खेला जा रहा है। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज चैनल। आपकी स्पेशल रिपोर्ट, कब तक लगेगा पुलिस प्रशासन के दामन पर दाग, मामले को अब हम इस नाम से समझाते हैं। मामला कुछ यूं है, यूपी की राजधानी लखनऊ से दूर तक करीबन 110 किलोमीटर जनपद बहराइच के क्षेत्र थाना हुजूरपुर में गाँव कटका झपटपुर में गौकशी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जहां गौकशी को लेकर इनायत सख्त है, वहीं बहराइच में शासन प्रशासन इस कारोबार में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक व प्रधान से भी शिकायत होने पर कोई कार्यवाही और कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्या पूरा मामला है? इसका इशारा एक बहुत बड़ा जा रहा है, वह इशारा आप खुद स्वयं समझ सकते हैं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सूत्रों की माने तो सभी लोग, या हम यूं कहें ऊपर से नीचे तक लोग पैसा खाकर इस कारोबार को हवा दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मामला बीते 5 दिन पूर्व का है और अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब इस मामले को आप क्या समझेंगे, आपका दिल क्या जवाब देगा, हमको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब सवाल उठ रहा है कि चाहे वह शासन के अधिकारी हो अथवा प्रशासन, आपको बता दें कि इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं शासन और प्रशासन के अधिकारी, और इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि गांव एक माता है और माता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है। सवाल काफी सख्त है, आशा करता हूँ कि सवाल हमारे जो भी हैं जवाब जल्द ही मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। जी प्रशांत जी बताइए। वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहराइच में शासन और प्रशासन मौन, खुलेआम हो रही गौकशी। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सटे हुए 110 किलोमीटर पर स्थित बहराइच के थाना हजूरपुर में के कटका झपाटपुर में गांव में बीते 5 दिन पहले गौकशी का मामला संज्ञान में आया था, जिसको लेकर हमारे सहयोग हम और हमारी टीम द्वारा वहां पर मुआयना किया गया, जिसको कल खबर भी चलाया था। उस मामले पर आज ग्राम प्रधान से हमारे सूत्रों में बात की तो ग्राम प्रधान का कहना है कि अब जल्द से जल्द इस मामले को मैनेज किया जाए, मगर अब देखना इस दिलचस्प होगा कि योगी सरकार में जो गौकशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस घटना में जिनके मामला खेत प्रशासन के संज्ञान में है, प्रशांत जी पूरा मामला संज्ञान में है, जिनके खेत में कल 5 दिन पहले गाय काटी गई थी, सरफुद्दीन की गन्ने में खेत में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था और नारा लगाया था, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के और योगी बाबा जिंदाबाद के। उसी बीच में हमारे जब हमारी टीम पहुंचती है वहां पर मुआयना करने के लिए, तब वहां पर मौके पर पूर्व प्रधान मौजूदा प्रधान भी वहां पर होते, मगर कार्रवाई नहीं होती है। जी धन्यवाद प्रशांत अवस्थी जी तमाम जानकारी के लिए। जी यहाँ कौन सी घटना हुई है? यहाँ गौकशी हुई है जी। कब हुई है ये? 2 तारीख में 2 बजे रात को जी, हमारे घर के सामने कम से कम 70-80 किलो। तो उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई, दरोगा भी आए थे, 4 पुलिस वाले आए थे जी, और जो है वो गोश लदवा करके वो चले गए लेके थाने में, बोले सुबह में देखेंगे। आज अभी क्या हुआ है? आज तक अभी कुछ नहीं हुआ, आज किसी मुलजिम को अभी पकड़ा नहीं गया है। हर आदमी जो है हमारे जो गाँव के है जो मोहम्मदन भाई है वो भाग गए है, कोई वहाँ किसी मुलजिम को कोई पकड़ा नहीं है। नहीं तो आज यहाँ पे क्या? आज यहाँ पे जहाँ पे उसका मांस कटा हुआ है वहाँ उस जगह पे खाल मिली है और उसकी जो है आंत सब पूरा सिस्टम मिला है और वही सब आए हैं दरोगा साहब, और वहाँ से जांच हुई है। दरोगा ने बोले कि मतलब जो है ये भैंस का ऐसा हव ही उड़ी थी कि भैंस का मांस था, तो चमड़ा उठा करके अपने हाथ से मैं उनको पूछा कि ये भैंस का है कि भैंसे का है कि गाय का है, तो दरोगा साहब ने खुद बोले कि ये नहीं ये गाय का है। दरोगा साहब ने खुद बोले कि नहीं ये गाय का है। तो 4 दिन से इस मामले को लेकर के मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या कोई बड़े आला? नहीं नहीं, विधायक उधायक कोई नहीं आया है अभी यहाँ तक, कोई नहीं। जो भी आई है वो मीडिया भी आई है, ऐसा या कोई ऐसे मतलब जिस तरीके से आप लोग पूछ रहे उस तरीके से हम लोग कोई आदमी आज तक कोई पूछा नहीं जी। तो मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे कोई कार्रवाई होने वाली है? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तो मुलजिम नहीं पकड़ा गया, आप लोग ग्रामीण क्या चाहते हैं? मुलजिम को पकड़ा जाए, आज के 4 महीना
4-5 महीना पहले गौकशी हुई थी, तो जो आदमी पकड़ा गया था वो भाग गया था, फिर मामला रफा दफा हो गया, फिर आज 4 महीने के बाद में हो गया। इस मामले को लेकर के आपने शिकायत किया था, लिखित शिकायत की थाने पर? तो अभी लिखित तो यही हुई है कि हमारे गांव में गौकशी हुई, हमारे मुहारे गोश मिला, तो हमारे गाँव ही की गोश गया, कोई दूसरी बिराने गाँव का गोश तो हमारे गाँव में मिला, झपाटपुर जी, और चलिए थाने में लगता है, हजूरपुर लगता है थाना। लोगों का कहना है कि आपके द्वारा उस मांस को लदवाया भी गया जी, है, क्या है? जी लदवाया हूँ मैं, 2 पुलिस वाले पकड़े थे, बीच में मैं पकड़ा था, गाड़ी में मैं स्वयं रखा हूँ। सूत्रों की माने तो कैसरगंज के विधायक का क्या रोल है इस मामले में? उसमें तो वो आए नहीं, उनसे लगता कोई जाने सिस्टम ही नहीं है, उनको जानकारी सुभाष त्रिपाठी। सूत्रों का कहना है कि उनके द्वारा 6 लाख रुपए में इस मामले को रफा दफा कराया जा रहा है। इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है, जो बात है वो सब साफ कहेंगे, अभी उस सिस्टम से तो इस चीज को नहीं मालूम, मगर बाबा की सरकार है, अच्छे तरीके से कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। आज आपके यहाँ झपाटपुर में जो गौकशी का मामला प्रकाश में आया है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? सर हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि जो मुजरिम है जी, उनको यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस पर थाना प्रभारी का क्या रूप? सर आज आए थे और बाकी इससे पहले तो कभी आए नहीं, आज 4 दिन हो गए हैं और आज आए हैं, तो ये मतलब आश्वासन देके गए हैं कि कार्रवाई होगी। लोगों की माने तो इससे पहले दो तीन गौकशी और भी हो चुकी है सर, हुई उन पर क्या कार्रवाई अब तक की गई? कुछ नहीं हुई थी, कुछ नहीं, बस पैसे ले देके मामला रफा दफा हो जाता है। शुभ नाम क्या पड़ता है जी? जीत बहादुर सिंह। जीत बहादुर सिंह जी, जी का क्या नाम पड़ता है? राम प्रसाद सिंह और मुन्नू सिंह। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले? झपाटपुर के रहने वाले हैं। आपके यहाँ जो गौकशी का मामला प्रकाश में आया है, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे, जिसने गौ हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। वो झूठे पुलिस वाले आते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई हमारे सबके सामने हो नहीं रही है। हाँ, लोगों की माने तो प्रयागपुर विधायक का इसमें क्या रोल है? इसमें प्रयागपुर के विधायक जी नहीं, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचे नहीं, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं जो मौजूदा, वो आए हैं, और जब वो आए हैं तब हमको सबको थोड़ा वो आश्वासन मिला है कि हम लोग का कुछ काम होएगा। हाँ। इस मामले में आप प्रशासन और सरकार से क्या सहयोग? हम यही सहयोग चाहते हैं कि उनको सख्त सजा दिया जाए, जिसने गौ हत्या किया है उसको सख्त सजा दिया जाए जी। हाँ, बाबा के सरकार में। धन्यवाद। इसमें दादा आपको क्या लगता है कि मतलब कितने कितने जानवरों का मतलब हत्या कर दी गई? इसमें 2 जानवर की हत्या हुई है जी। 2 जानवर जी जी जी, जब भी इतना गोश्त था जी। हाँ, तो एक बोरा फेंक के भागे, एक लेके गए, कुछ और जो उनके सहयोगी थे बगल के गांव वाले, कुछ वो भी तो लेके गए हैं जी। लगभग 2 गड्ढा यहाँ मिला है जहाँ पे उनकी खाल गाड़ी गई है, बराबर सामने दिख रहा है। ये गन्ने का खेत गन्ने के खेत में 2 गड्ढा है जिसमें उनका खाल गोल मूल गाड़ा गया था। खेत किसका? ये सरफुद्दीन का है, बाप का नाम कुतुबुद्दीन है। गाँव उनका कहाँ है? झपाटपुर है जी। जी, आपकी माने तो कितना मांस लगभग रहा होगा? हमारे मांस से कम 1.5 क्विंटल मांस था जी। जी।